राजधानी चंडीगढ़ में प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा नारी न्याय है तैयार हम मुहिम का शुभारंभ किया गया। इस मुहिम के शुभारंभ पर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, जहां वे सभी पृष्ठभूमि के सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। इसी के तहत चंडीगढ़ महिला कांग्रेस भी लगातार शहर की महिलाओं तक पहुंचकर उनके विचार, समस्याओं और सुझावों को सुनकर नारी न्याय के रूप में अपनी मांगों को रेखांकित कर रही हैं। वहीं अध्यक्ष दीपा दुबे ने बताया कि आज महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण समेत हिंसा के खिलाफ संरक्षण और न्याय की आवश्यकता है। इसके अलावा हम इस मुहिम को हर एक कॉलोनी, गांव और शहर के हर एक सेक्टर में लेकर जाएंगे, जिसमें नारी की प्राथमिकता सर्वप्रथम रखी जाएगी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने और चंडीगढ़ शहर की महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी चंडीगढ़ पहुँच रही हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता रविन्द्र कुमार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से भी ये हमारे समक्ष रखा गया कि अपने अपने एरियों में जाकर आप में महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में बात करें, उनके विचार लें कि किस ढंग से क्या क्या दिक्कतें वो सहन करती जा रही हैं। और चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की टीम ने भी सेक्टरों में, कॉलोनियों में, गांवों में जाके ये सूचना एकत्रित की कि महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या फेस वो कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये करना चाहूँगी नारी न्याय की। आज ज़रूरत जो है वो नारी न्याय की है। जब हम लोगों ने ऐसी रिपोर्ट इकट्ठी की और बातचीत की जब उनसे, तो हमारे समक्ष कुछ चीज़ें सामने आई जिनको हमने 5 पहलुओं में बांटा। सबसे पहले जो पॉइंट है वो आर्थिक सशक्तिकरण का है। आर्थिक से मेरा अभिप्राय, आज की महंगाई जो गृहिणी रसोई से जूझ रही है, उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उस पर है। और दूसरा, जो मूल्य वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो मूल्य वृद्धि गैस के सिलेंडर की हो, चाहे हमारे आलू प्याज की हो, चाहे वो दालों की हो या चाहे वो तेल की हो। और पेट्रोल की बात, डीजल की बात करना तो अब मजाक योग्य हो गया है कि किस तरीके से इस तरीके की वृद्धि का जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो महिलाओं में कम होता जा रहा है।